वालेकुम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार व्लॉग्स तो जी यहाँ पे मुंबई में हो गई है सुबह और सबसे पहले जो है ना वो इडली वाले की पों पोवा सुनाई देती है और यहाँ पे जो है वो बहन सारी बॉटल्स वॉश करके और उसके अंदर जो है ना पानी भर रही है यहाँ पे ना सेक्टर 11 में दो टाइम पानी आता है सुबह और शाम तो ये एक्वागार्ड में जो है ना जिस टाइम पानी आता है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है तो जितनी भी बॉटल्स भरनी रहती है पानी पीने वाली वो सब ना बहन जो है इसी टाइम पर भर के रख देती है तो ये देखें इतनी सारी बॉटल्स है जो कि दिन भर में जो है ना कंज्यूम होती हैं रहने वाले भी काफ़ी लोग हैं मैं आपको धीरे धीरे सब से मिलवाऊंगी बहन के सारे बच्चों से और ये छोटी वाली बॉटलें जो है ना वो आरिस के लिए फिल होकर रखी हैं और यहाँ देखिए साइड में क्या रखा हुआ है कड़क पाव मतलब दुबई में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कड़क पाव लेकिन जो असली कड़क पाव होता है ना मुंबई का वो ये है लादी के लादी कड़क पाव जो है ना वो बहन मंगा लेती है जो कड़क पाव बेचने वाले अंकल हैं ना उनको फिक्स कर दिए वो रोज़ सुबह आते हैं गर्मा गर्म कड़क पाव दे के जाता है और यहाँ देखें चाय चढ़ी हुई है सबके लिए और पाव कितना कड़क और क्रिस्प है अभी इसकी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो उठ चुके थे तो बस वही नाश्ता हो रहा है चाय का तो जो लोग बॉम्बे में रहते हैं ना उन्हें पता है कि सबसे पहले चाय के साथ जो है ना वो कड़क पाव टोस्ट खारी या बटर जो है इस टाइप का नाश्ता होता है पतीला भर की चाय चढ़ जाती है और फिर जो है ना डुबा डुबा के ये खाया जाता है तो ये देखें जो लोग बॉम्बे के हैं ना वो लोग तो बहुत ही मिस करेंगे इसको बटर कड़क पाव खारी और टोस्ट और ये जो है ना ये बैठे हैं मेरे बहन के हस्बैंड फैसल भाई यहाँ पूरा सामान जो है अभी सूटकेस ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये देखें सारे बच्चे जो हैं अभी सो रहे हैं यहाँ हॉल में नीचे गद्दा डाल के ये ऊपर जईम सो रहा है काफ़ी लेट हो गया था ना हमें बात बात करके सोते सोते तो इसलिए जो है सारे बच्चे अभी कोई उठा ही नहीं है सब सो ही रहे हैं और यहाँ अंदर रूम में मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम में ना बहन और मम्मी ये सब लोग सोती हैं तो यहाँ पर देखें फलक सो रही है पीछे आरिज़ है वो भी यहीं सो रहा था कह रहा था नानी के साथ सोएंगे तो जब से मीरा रोड आया ना नानी के साथ सोता है और यहाँ पर अफ़ान सो रहा है तो आज मैंने सोचा कि इन लोगों को सोने देते हैं क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था आज है ना छोले और पूरी का प्लान है नाश्ते के लिए तो यही छोले भिगा के रखी थी बहन ने रात से तो वही अभी चढ़ा रही थी तो हर ब्लॉग में आप लोग जो है मेरा हाथ देखते हैं तो आज जो है ना मुंबई के ब्लॉग्स में तो आप देखेंगे बहन का हाथ वही छोले बना रही है मुंबई में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की हूँ कि सबके घर में जो है ना इस टाइप की स्टील वाली जो है वो बास्केट रहती है बर्तन वॉश करके सुखाने के लिए तो मार्केट में भी मैंने देखी कि ये बहुत ही बिकती है बच्चे उठ गए थे तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना हम यहाँ नीचे आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे जो है ना एक घर है ना वो खाली है और ये घर जो है ना एक रिश्तेदार का है लेकिन वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं तो उसकी की जो है ना वो हम लोगों के पास ही है तो ये घर हम लोग यूज़ करते हैं मतलब जैसे नहाने के लिए और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर रहे थे क्योंकि जो है ना मेरी बहन के तीन बच्चे हैं और मम्मी तो छः लोग वो हो जाते हैं और छः लोग हम आ गए हैं तो मतलब काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है पानी की तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने सोचा कि नीचे वाला रूम है ना उसकी चाबी ले, ले लेंगे तो वॉशरूम जाने का सब आराम हो जाएगा नहाने वहाने का तो ये देखिए खाली घर है थोड़ा सा सामान वही उनका पड़ा हुआ है और ये देखिए किचन भी बिल्कुल खाली है तो मिरर रूम में पानी की थोड़ी शॉर्टेज रहती है ना तो यहाँ पे देखिए टाकी पूरी भरी हुई है तो नहाने के लिए ना हम लोग यहीं आ जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ये रूम जो है लॉक रहता है और यहाँ अंदर वाला रूम जो है ना इसमें ये गद्दे वगैरह जो है ना हम लोग यहाँ रख देते हैं तो रात में जब सोने जाना होता है ना तो यहाँ से उठा के ऊपर ले जाते हैं बहन जो है वो सेकेंड फ्लोर पर रहती है तो यहाँ पानी है ना सब ऑफ था तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना इसलिए मैं आ गई थी इन लोग को लेके पानी वगैरह ऑन कर दूंगी तो नहा रही है फलक और अफान भी अभी नहाएगा तो मैं यहाँ खड़ी हूँ वेट कर रही हूँ उन लोगों का कपड़े वगैरह ले कर उन लोग के और कि उन लोग डरते हैं अकेले घर में कि कोई आ ना जाए तो बस अभी इन लोग नहा लेंगे तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी नहा के जब हम ऊपर आए ना तो यहाँ पे बहन जो है वो छोले वग़ैरह बना चुकी थी और पूड़ियाँ जो है ना वही तल रही थी तो मैंने बोली कि लाओ मैं तलने स्टार्ट करती हूँ और तुम जो है वो बेलती जाओ तो कह रही है नहीं तुम बस यहाँ पे बैठ जाओ स्टूल पे और ख़ूब बातें करेंगे इतने साल बाद आई हो बच्चों की तरह जो है ना उसकी भी एक एनिमेटेड स्टोरी साइड बाई साइड चलती रहती है ये देखें <laughs> <laughs> इस कुकर में जो है वो छोले बन के पूरा रेडी हो गया है ग्रेवी वाला और गरम गरम पूड़ियाँ अंदर से तल के बहन दे रही थी तो यहाँ पे जो है सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं अफ़ान फलक हमारे घर में है ना सबको बहुत पसंद है छोले और फिर ना उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ गए थे कपड़े देखने के लिए तो जहाँ तीन चार औरतें जमा होती हैं वहाँ कपड़ों की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मेरी बहन जो है ना वो कपड़े और बेडशीट वगैरह जो है ना सेल करती है तो डेली वेयर वाले कपड़े भी रहते हैं और ये देखिए पार्टी वेयर वाले कपड़े यही मैं देख रही थी किसी ने ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ एक आइडिया मिल जाएगी और ये वाला कपड़ा जो है ना ये मैंने लिया है तो अभी मैं टेलर को जो है ना वो दे दूँगी सिलाने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना टेलर का रीच वग़ैरह वो ईज़ी होती है और दुबई में जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है एक तो टेलर भी बहुत मुश्किल से मिलता है प्लस उनको देने जाना काफी भारी पड़ता है तो जितने भी कपड़े सिलाने ना मैं यहीं से सिलवा लूंगी देखिए कितना खूबसूरत सा पीस है और इसका टिश्यू का दुपट्टा है और इसकी आप प्राइस सुनेंगे तो उड़ जाएंगे से इतना हैवी सूट और सिर्फ जो है ना वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज में है और कितना अच्छा दुपट्टा ये देखिए टिश्यू का इतना अच्छा सॉफ्ट वाला और सबसे बड़ी बात कि लेस वगैरह सब कुछ लगी रहती है इसमें और पूरा सूट रेडी अस्तर के साथ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये देखिए दुपट्टे के साइड में भी जो है ना यहाँ इतना अच्छा सा बॉर्डर बना हुआ है फुल रेडी दुपट्टा है ना बिडिंग कराना है ना कुछ और इसका सबसे बड़ी बात कि है तो ये टिश्यू का दुपट्टा लेकिन कितना सॉफ्ट ये देखिए पूरा एक हाथ से क्रश हो जाता है बिल्कुल भी खड़ा खड़ा नहीं रहेगा सॉफ्ट सा दुपट्टा रहता है पूरा रेडी एक से एक कलर्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं उसको और जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान और दूसरी कंट्री में भी डिलीवरी है तो यस डिलीवरी होती है कुरियर चार्जेस अप्लाई होंगे उसके लिए और बहुत रीजनेबल रेट्स हैं <laughs> यहाँ पे हस्बैंड हो गए हैं रेडी और हम जो है ना वो जा रहे हैं अब थोड़ी से रिश्तेदारों से मिलने के लिए असल में ना मुंबई आने से पहले तीन चार दिन पहले ही ना मेरी दादी की डेथ हो गई थी तो हम जा रहे हैं अपने चचा लोग से मिलने के लिए और यहाँ पे है ना ऑटो रिक्शा देख के जो है वो बच्चे इतना खुश हो गए कि मतलब ये कौन सी चीज़ है उन लोगों ने कभी मतलब देखा नहीं है चंद्रेश क्लासिक चंद्रेश क्लासिक क्लासिक चंद्रे� बॉम्बे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया इसलिए हस्बैंड को जो है ना वो ज़्यादा कुछ लोकेशन पता नहीं है चच्चा नीचे ही मिल गए थे मस्जिद में और ऊपर जो है ना वो यहाँ पे चच्चा की बेटी है वो खेल रही है दूसरे चच्चा की बेटी है ये मेरे सारे चच्चा से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी और यहाँ देखे दो चच्चा के बच्चे और चले आ रहे हैं स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह में हां नाम अल्हम्दुलिल्लाह निदान नाम है जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं माशाल्लाह ये स्कूल है कि क्या है येलो हाउस में वाले में फिर उसके बाद जो है ना हम यहाँ दूसरे चचा से मिलने आ गए थे तो मेरे जो है ना वो टोटल पांच चचा हैं और एक इकलौती फूफी हैं। मैं सबसे आप लोगों को मिलवाऊंगी कहाँ बैठे हो कहाँ बैठे हो और कहाँ आए हो इंडिया में किसके घर आए हो किसके घर आए हो चचा के घर से निकलने के बाद जो है ना हम यहाँ पे आ गए थे जो मेरे जीजा जी हैं ना उनकी दोस्त की ये शॉप है तो फलक का ना नंबर टेस्ट करना था थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा था तो बस वही टेस्ट करवाया उसका जो है नंबर चेंज हो गया था और हस्बैंड ने भी अपना टेस्ट करवाया लेकिन उनका सेम ही था तो कह रहे थे तुम भी करवा लो तो मैंने भी करवाया था लेकिन अलहमदिल्ला मेरे कोई नंबर नहीं है और फिर उसके बाद है ना रास्ते में जो है हम लोगों को ये दिख गया पेरू वाला तो काफ़ी ज़माना हुआ इस तरह से ठेले पर से जो है ना वो सब्जी और फल खरीदे हुए तो पहले तो मम्मी अक्सर भेजा करती थी कि जाओ जो है दो रुपये की कोदमीर ले आओ तो पहले ना मैं बहुत लाया करती थी अब तो काफी जमाना हुआ बस मॉल से ही खरीदना होता है वहां दुबई में तो, तो मैंने सोचा कि चलो जो है लगे हाथों पेरू ले लेते हैं पेरू जो है ना वो बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ से चालू होती है नेक्स्ट डे की क्लिप और नेक्स्ट डे जो है ना वो हम आ गए थे यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करने तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ आते ही शॉपिंग क्यों स्टार्ट कर दी हूँ तो जो है ना मैंने आप लोगों से बताया था कि स्पाइस जेट से कोई ना ट्रैवल करे इतनी बेकार एयरलाइंस है स्पाइस जेट वाले जो है ना वो हमारा सूटकेस वहाँ दुबई में ही भूल गए और जब हम लोग ने यहाँ लैंड किया तो पता चला वो सूटकेस जो है वो दुबई से आया ही नहीं है उनकी गलती से तो फिर बस बच्चों के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए क्योंकि वो जो सूटकेस नहीं था ना मिसिंग जो सूटकेस था उसी में तीनों बच्चों के कपड़े थे सिर्फ़ आरिस का सूट जो है वो घर में था तो इसलिए हमें थोड़े से कपड़े लेने पड़े अफ़ान के और फलक के और ज़ैम के और उसके बाद चप्पल वगैरह जो डेली वेयर की थी वो भी उसी में थी ज़ाहिर से बात है एक सूटकेस है तो उसमें कई सारे सामान होते हैं जो आपको लगेंगे यूज़ में आएंगे तो वो एक सूटकेस ही पूरा गायब था तो हमें काफ़ी कुछ सामान खरीदना पड़ा बहुत इनकनवीनियंस हुआ हमें तो बस अब यही अफ़ान की चप्पल यहाँ से ख़रीद रहे हैं क्योंकि वो तो शूज़ पहन के आया था तो चप्पल चाहिए नीचे डेली पहन के जाने के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी हुई तो वही बस चप्पल वग़ैरह ख़रीद के और उसके बाद यहाँ पर जो है ना फलक थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख रही थी कह रही थी कि उसे अपने फ्रेंड को जो है ना वो गिफ्ट करना है तो यहाँ से लेके जाएगी तो इंडिया में जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी अच्छी मिलती है बहुत अच्छा कलेक्शन होता है मैं जो हूँ ना वो सारे सूट्स पे जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ इंडिया से जो है ना वो मैच करके ले जाती हूँ चैनल पे जो है वो फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में जो है ना आपा ने यहाँ पे बनाई है पास्ता पूरे पतीले में भर के जो छोटे वाले फ्राइंग पैन में पास्ता दिख रहा है ना वो आरिस के लिए है और उसमें मिर्चा मसाला वो बहुत ही लिमिटेड है और ये बड़े वाले पतीले में जो है ना वो बड़े लोग के हिसाब से एकदम स्पाइसी वाला जो है वो पास्ता बनाई है तो कह रही आज सेलिब्रेशन होना तो लाजिम है तो जब से मैं इंडिया आई हूँ ना केक ही केक जो है वो खाने को मिल रहा है पहले जो है वो वेलकम केक मिला और उसके बाद जो है ना ये फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में बहन के बच्चे गए थे और वो लेके आए बोले कि केक जो है वो कटना तो लाजिम है तो साथ में चीज़ वाला पास्ता भी यही बना दी थी और ये वाला केक लाए थे बच्चे और यहाँ पर थोड़ा सा वॉल पर डेकोरेशन भी कर दिए थे

तो ये जो राइट साइड पे बैठा है ना एक्सट्रीम राइट पे तो वो है मेरी बहन का बेटा और ये नौ महीने का जहीन से बड़ा है और उसके बाद जो है ना जिसको हस्बैंड जो है अभी केक खिला रहे हैं ये है दूसरे नंबर का बेटा और ये जहीन से नौ महीने का छोटा है और एक और लड़का है उससे मैं अभी आपको मिलाऊंगी तो मैं ना अपनी बहन के घर रुकी हूँ सेक्टर एलेवन में और मेरा घर जो है ना मम्मी का वो सेक्टर दो में है लेकिन जब से पापा का इंतकाल हुआ है ना तो वो घर जो है ना ज़्यादातर बंद ही रहता है उसमें कोई रहता नहीं है मम्मी जब दुबई रहती तो हम लोग के पास रहती हैं और जब इंडिया में रहती है तो यहाँ बहन के घर रहती हैं। We made it till 50K, now let's है सब्सक्राइबर्स से सब्सक्राइब हम दो हमारे चार ब्लॉग्सिंग yeah, <laughs> <Same thing. laughs> <laughs> 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 तुमको कुछ बोलना है हुँ? कुछ बोलने किसको? हम दो हमारे साथ। मेरी बहन है ना वो बहुत ही अच्छा पास्ता बनाती है इनफैक्ट जो है ना खाना भी बहुत अच्छा बनाती है तो इतना सारा पास्ता था पतीला भर के और है ना दो ही मिनट में जो है ना वो सब चट हो गया बहुत ही मज़े का बना था और मुझे तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि दूसरे के हाथ का खाने मिले तो और अच्छा लगता है तो यहाँ पे सारे कज़िन्स जो हैं वो आपस में बैठ के ही ही हा हा हू चल रहा था तो मुझे जो है ना बस एकदम अपना टाइम याद आ गया कि कैसे हम सब कज़िन्स जो है ना वो बैठते थे साथ में इस तरह से खाया करते थे इन्जॉय करते थे वो टाइम जो है ना वो काफ़ी जो है मेमोरेबल होता है और ये देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि इतने जल्दी जो है ना ये पूरा चट कर गए आरस भी यहाँ बहुत ही जल्दी जो है ना वो बहन के बच्चों से अटैच हो गया था माशाल्लाह हम जो है ना बॉम्बे साइड पे जा रहे थे थोड़ा सा तो ये ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे थे तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये ब्रिज की क्लिप थोड़ी सी शेयर कर दूं ये जो है ना वर्ली पे है वर्ली सीलिंग और जो बॉम्बे में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे ऑफ कोर्स काफ़ी फेमस है ये फोर्थ लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये इन द वर्ल्ड और ये सी के ऊपर पूरा बना हुआ है इस वक्त जो है ना वो हम बॉम्बे हॉस्पिटल आए हैं हस्बैंड को दिखाने के लिए हस्बैंड के जो है ना वो बैक में काफ़ी पेन रहता है मतलब ऑलमोस्ट टेन इयर्स हो गए हैं और दस साल से हम इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं तो हमने सोचा इस बार जो ये इंडिया की ट्रिप है ना ये इसी वजह से हम लोग ने बनाई कि हस्बैंड को डॉक्टर को दिखाएंगे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराएंगे क्योंकि मुंबई के डॉक्टर्स जो है ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं तो बस यही रीज़न था जो मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि हम सुबह उठते थे और नाश्ता करके बारह बजे निकल जाते थे हॉस्पिटल के लिए मतलब हम लोगों ने कई हॉस्पिटल और कई डॉक्टर्स से कंसल्ट करवाए हैं और घर आते आते जो है ना वो रात में सात आठ नौ जाता था तो उसके बाद मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता था तो आप लोग के मैसेज आ रहे थे कि क्यों आपका मुंबई का व्लॉग्स नहीं आ पा रहा है तो यही रीज़न था मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने में जो है ना एक घंटा था वेटिंग तो हम लोग ने सोचा कि बाहर कुछ खा के आते हैं तो बस बॉम्बे हॉस्पिटल के ठीक सामने जो है ये एक आदमी था वो बना रहा था चीज़ ग्रिल सैंडविच वेज इतनी ज़बरदस्त थी कि मतलब वो पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई ये सैंडविच खा के और ये जो वड़ा पाव वाला है ना ये भी बॉम्बे हॉस्पिटल के ठीक सामने ही है और बहुत ही फेमस है अभी हमारे सामने इसको एक हज़ार वड़ा पाव का जो है ना वो ऑर्डर आया था तो बस तीखी तीखी जो है वो तली हुई मिर्ची के साथ हम लोगों ने गर्मा गर्म वड़ा पाव खाया बहुत ही मज़ा आया मतलब बॉम्बे आके कोई वड़ा पाव ना खाए तो इसका मतलब समझो कि वो बॉम्बे घुमा ही नहीं है ये स्ट्रीट फूड ही मेन होता है अच्छा बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ जो है लिबर्टी जूस सेंटर है वो भी काफ़ी फेमस है और इनके ना जूसेस और इनकी स्मूदी और इनके शेक्स वो भी काफ़ी फेमस है और सबसे अच्छी बात जो है ना वो फ़नी ये लगती है कि इनके जूसेस का नाम भी बहुत ही अजीब है तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ने ऑर्डर किया था एक बॉम्बे कूलर और आ, मैंने ऑर्डर किया था, था थ्री ईडियट्स दोनों ही बहुत ही मज़े का था और सबसे बड़ी बात जो है ना वो यादें ताज़ा हो गई बॉम्बे हॉस्पिटल जो है ना वो काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है ये उसकी न्यू बिल्डिंग है और इसके सामने जो है ना वो पुराना वाला हॉस्पिटल है दोनों बॉम्बे हॉस्पिटल के नाम से और उसके ठीक सामने जो है ना ये एक पीपल का पेड़ है और इसकी मतलब जो है ना ये शाखें देख के ब्रांचेस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जितना पुराना ये पेड़ है उतना ही पुराना जो है ना वो बॉम्बे हॉस्पिटल है तो हम लोगों ने सोचा काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स यहीं मिलेंगे इस वजह से हम यहाँ आए थे और ना अब हम निकल गए थे घर की तरफ तो ये देखिए ये जो राइट में है ना ये कबूतर खाना है ड्राइवर से पूछा मैंने कि ये कबूतर खाना मतलब क्या तो वो बता रहे थे कि पेट एंड एन एनिमल मार्केट बोलते हैं इसको और वो भी काफी फेमस है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ना शॉपिंग के लिए जो है वो हस्बैंड बोल रहे थे चलो चलते हैं देख के आते हैं काफी भीड़ लग रही है लेकिन इतनी जबरदस्त किस्म की भीड़ थी कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ी अंदर जाने की और ये वाला देख रहे हैं आप ये खस्ताहाल बिल्डिंग जो है ना ये है एक स्कूल और स्कूल में जो है ना मेरे हस्बैंड के जो अब्बा हैं मतलब मेरे ससुर वो पहले पढ़ाते थे इस्माइल बेग मोहम्मद स्कूल के नाम से जो है ना ये स्कूल रहा करता था अब बंद हो गया है और ससुर भी जो है ना वो अब यहाँ नहीं रहते हैं आज़मगढ़ रहते हैं अच्छा घर आने के बाद जो है ना यहाँ देखिए फैसल भाई जो है आ, मतलब मेरे जीजा जी जो है ना वो पाव लेके आए थे आज रात में पाव भाजी बनाने का प्लान है तो यही पाव आ, मंगवाई थी बहन ने तो सौ पाव लेके आए थे मैंने पूछी खत्म कैसे होगा तो बहन बोल रही थी कि बस तुम देखती जाओ कैसे खत्म हो जाएगा तो यही देखिए ज़बरदस्त किस्म की पाव भाजी तो जब से मैं इंडिया आई हूँ ना मैं मतलब दाल चावल ये सब खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है बस मैंने बोली बहन से कि बस मुझे तुम यही सब खिलाती जाओ वड़ा पाव पाव भाजी और उसके बाद ना यहाँ पे मेरी फूफी रहती है ना तो उन्होंने मेरे लिए ये पास्ता बना के भेजी थी इतना गज़ब का पास्ता था मैंने सोचा कि ये रेसिपी इनसे ले लूँगी ज़रूर से और फिर उसके बाद बना के आपके साथ शेयर करूँगी चिकन डाल के जो है ना बेहतरीन सा पास्ता जो है वो बना के भेजी थी फूफी ने और पास्ते के साथ जो है ना वो गाजर का हलवा भी बना के भेजी थी पी का बस नहीं चल रहा था कि क्या क्या खिला दूं तो इतना बेहतरीन गाजर का हलवा था और हसबेंड तो एकदम फ्लैट हो गए थे ये गाजर का हलवा खा के वैसे मैं सोच ही रही थी कि आप लोग के साथ गाजर के हलवे की भी रेसिपी शेयर करूँगी कैसा है बहुत अच्छा है? आ, ये जो है हलवा है गाजर का हाँ। लाइफ में ऐसा हलवा नहीं मिला है कभी खाने को कितने बनाया उसे हाथ कटवा दो हमारी पुफी ने हाथ कटवा लो दोबारा <laughs> ना बन पाए <laughs>